आलू तो सबके घर पे होते हैं, सो आलू घर पे हो छोटे वाले तो ये वाली रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना, बिकॉज आलू एक ही होता है, उसकी रेसिपियाँ बहुत सारी होती है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया, वो छोटे वाले आलू को हाफ कट कर रहे थे, उसके अंदर अच्छी तरह से 95% कुक कर लिया, मेरे से जल गए, आप जला मत देना। फिर यहाँ पे मैंने खड़े मसाले, थोड़ा जीरा, लहसुन, ग्रीन चिली, उसी के साथ साथ ऑनियन, ये सारी चीज़ों को डाल के उन्हें अच्छी तरह से भून लिया। जैसे ऑनियन भून जाए हम उसके अंदर डालेंगे मसाले, आपके पास जो घर पे मसाले हो, आपको जो फ्लेवर पसंद है वो डाल सकते हो आप, और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टमाटो प्यूरी डालिए, उसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे, मैंने कैशू लिए थे उसको मिक्सर जार के अंदर पीस दिया और उसका पाउडर बना के वही डाला है। वो पकने के बाद पानी डाल के उसकी ग्रेवी करी, ग्रेवी अच्छे से पक गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे पोटैटो डाले हैं और ढक्कन बंद करके उसे अच्छी तरह से पका लिया। मेरे से ऑयल ज़्यादा हो गया था, आप कम डालना, लेकिन वैसे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। सो आलू घर पे होते ही हैं, सो एक बार ये वाला ट्राई करना। सो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, थैंक यू।